गांव से आई है। ऐसी कौर तो मैंने आज तक नहीं देखी है। हाय कितनी प्यारी कार है, चमचमाती कार, नीले कलर की, पता नहीं कौन आया है इसमें। ये कुछ शहर की लड़कियां लग रही हैं, मेकअप तो देखो इनका। लड़की सुनती हो, क्या कर रही हो यहाँ पे? कोई यहाँ पे कोई शॉप शॉप होगी जहाँ से पानी पी सकें, या पानी की कोई दुकान है जहाँ से हम पानी ले सकें? मैडम जी, ओ मैडम जी, ठीक से मेरा नाम ले। मैं कोई लड़की वड़की नहीं हूँ, टुंटनी नाम है मेरा। और टुंटनी कहकर ही बुलाएं अगर कोई काम है। कोई शॉप वॉप नहीं है यहाँ पर, ये गांव है। यहाँ पे पानी घड़े में रखा जाता है। चलो मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ घड़े से। अच्छा, आपका नाम टुंटनी है। चलो नाराज तो ना हो, चलो मैं पानी पी लेती। ओ, ये पानी इतना गर्म है, कोई फ्रिज व्रिज नहीं है क्या तुम लोगों के पास? मैडम जी, ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं है, यही घड़े वाला पानी हम सब पीते हैं। पीना है तो पिए, नहीं पीना तो नहीं पिए। ओ, ये बात है, यहाँ पे कोई फ्रिज व्रिज नहीं है। चलो छोड़ो उसको, क्या यहाँ पे कोई होटल वगैरह मिल सकेगा? हम शहर से आए हैं। नहीं जी, यहाँ पे तो कोई फ्रिज व्रिज नहीं है। अगर आपने यहाँ पे रहना है तो आप मेरे घर में रह सकती हैं, वरना यहाँ पे कोई होटल वगैरह नहीं है। अगर आप लोगों ने, आपकी मर्जी है तो आप मेरे घर में रह सकती हैं। ओह माय गॉड, गांव में कोई होटल वगैरह भी नहीं है। चलो हम आपके घर चलते हैं। हाँ जी, कोई भी नहीं है। चलो चलो, मुझे गर्मी लग रही है, कोई एसी चला दो, बहुत ही ज्यादा आज गर्मी है यहाँ पे तो। किस बला की बात कर रही है, हमारे यहाँ कोई एसी वगैरह नहीं है। हमारे यहाँ बाहर से ठंडी ठंडी हवा आती है। चुप करके आप भी यही ठंडी ठंडी हवा लें। हमारे पास कोई एसी बेसी की कोई बला नहीं होती। ये कोई आपका शहर नहीं है, ये एक गांव है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ओह माय गॉड, यहाँ पे तो एसी भी नहीं है। चलो अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। ये पता नहीं शहर से कौन से लोग आ गए हैं, कभी कहते हैं एसी आए, कभी कहते हैं कि यहाँ पर कोई पानी का फ्रिज व्रिज नहीं है। हमें तो ऐसी बलाओं का पता भी नहीं है। शहर के लोग भी पता नहीं कैसी कैसी चीजें रखते हैं। चलो चाय तो बन गई है, उनको मैडम को दे ही देती हूँ अब। जी, ये आप लोगों के लिए चाय बन चुकी है। आप कहें तो मैं आपको गांव की सैर करा दूं। टुंटनी, हमें गांव की जरा सैर तो करा दें। इस तरह बेचारी टुंटनी उन्हें सारा दिन अपने गांव की सैर कराती है। और कविया बोलती है, टुंटनी क्या तुम हमारे साथ शहर जाओगी? जी, आपका समोसे कैसे लगे हैं? अच्छे लगे हैं ना? हाँ? टुंटनी, तुम्हारा गांव तो बहुत ज्यादा अच्छा है। मुझे यहाँ के समोसे और यहाँ का माहौल बहुत ज्यादा अच्छा है। मेरा जाने को तो दिल नहीं है, तुम भी शहर जरूर। इस तरह टुंटनी शहर चली जाती है और वो कलिया के पास जाती है। उसे वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वहाँ की चीज़ें देख कर टुंटनी तो हकी बकी रह जाती। जी, ये क्या बला है? ऐसी चीज तो हमने कभी नहीं देखी। टुंटनी, तुम जरा और से काम लो, ये कोई बला वला नहीं है। यहाँ का शहर का बर्गर है, यहाँ लोग ये बर्गर खाते हैं। तुम भी खाओ, बहुत ही ज्यादा मजे का होता है। उसके बाद मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। जी जी कविया, आपका घर तो बहुत ज्यादा प्यारा है, मैंने सारा घर देखा है। अच्छा, मैं ना चाहती हूँ तुम मुझे यहाँ पर नौकरी पर रख लो, मेरा गांव में जाने का दिल नहीं है। यहाँ पे तो फ्रिज वगैरह, किचन वगैरह, खाने पकाने की इतनी सहूलतें हैं, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। हमें एक दिन खाना ढूंढने के लिए इतने। ठीक है टुंटनी, तुम फिक्र ना करो, कल से ही ऑफिस चली जाना मेरे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं 5 × 5 क्या होता है, और वो कमेंट में बताएं। तो इस तरह टुंटनी जो है शहर में आ जाती है और वो सारा दिन काम करती है दफ्तर में। उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा घर खरीद लेती है। शहर में उसे बहुत ज़्यादा अच्छी सहूलतें मिलती हैं और वो वापस गांव नहीं जाना चाहती। कभी कभी जाती थी और वो घूम कर आती थी,
और इस तरह टुंटनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो अपने बच्चों को भी बुला लेती है और अपनी सहेलियों को भी कभी कभी शहर ले आती और वहाँ उसे इन्हें घुमाती थी। अगर आप लोगों को कमेंट में सही जवाब दिया तो आप कोई भी